हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर लाइफ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं या कौन सा अप ट्रेंड होता है और कौन सा डाउन, बिकॉज ये सब नॉर्मल बातें हैं जो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएंगी और जो आपको कहीं भी सीखने के लिए मिल जाएगा अगर मैं भी आपको वही सिखाऊं तो यूनिक क्या रह जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कि एक अप ट्रेंड कितनी तरह का होता है और कौन से अप ट्रेंड में आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अप ट्रेंड होता है तीन तरह का, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, नॉर्मल अप ट्रेंड और वीक अप ट्रेंड। तो सबसे पहले वीक अप ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ये देखने में हायर हाई हायर लो पैटर्न जैसा होता है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देता। इसमें प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद गिरावट होती है और सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करके प्राइस वापस ऊपर चला जाता है। इस तरह का अप ट्रेंड एक वीक अप ट्रेंड माना जाता है। ये अप ट्रेंड इन्वेस्टिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में इसमें स्टॉप लॉस हिटिंग ज्यादा देखने के लिए मिलती है, इसलिए इस तरह के ट्रेंड को पावर प्ले ट्रेडिंग के लिए अवॉइड किया जाना चाहिए। दूसरा होता है नॉर्मल अप ट्रेंड। ये भी देखने में हायर हाई हायर लो पैटर्न जैसा होता है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट देता है। इसमें प्राइस ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है, उसके बाद में गिरावट होती है, लेकिन सपोर्ट लेवल का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं होता। प्राइस वापस ऊपर जाता है, वापस गिरावट होती है, लेकिन फिर से सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता और प्राइस वापस ऊपर चला जाता है। इस तरह के अप ट्रेंड को नॉर्मल अप ट्रेंड कहा जाता है और इसमें वीक अप ट्रेंड के कंपैरिजन में स्टॉप लॉस हिटिंग थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये भी एक नॉर्मल अप ट्रेंड ही होता है। इसमें प्राइस बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है और धीरे धीरे मोमेंटम आने की वजह से पावर प्ले मोमेंटम नहीं मिल पाते, लेकिन फिर भी इसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और दोस्तों, लास्ट तरह का अप ट्रेंड होता है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। इसमें स्टॉक ब्रेकआउट देता है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद में सीधा ऊपर जाता है, वापस नीचे आकर सपोर्ट लेवल को ना तो टच करता है और ना ही नीचे की तरफ ब्रेक करता है। थोड़ा साइडवेज होता है, वापस ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आता और इसमें स्टॉप लॉस हिटिंग ना के बराबर देखने के लिए मिलती है। और यही होता है पावर प्ले स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा अप ट्रेंड। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपके साथ में एक वीक अप ट्रेंड शेयर किया, तो इस तरह का होता है वीक अप ट्रेंड जिसमें प्राइस ऊपर जाता है, सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ काटता है और वापस ऊपर चला जाता है, फिर सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ काटता है, वापस ऊपर चला जाता है। दूसरी तरह का ट्रेंड होता है नॉर्मल ट्रेंड। ये देखने में हायर हाई हायर लो जैसा होता है, लेकिन इसमें सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता और प्राइस सपोर्ट लेवल को टच करके वापस ऊपर चला जाता है। और दोस्तों, ये जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, जैसा आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, जब भी किसी स्टॉक में आपको इस तरह का अप ट्रेंड दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि स्टॉक ब्लास्ट होने वाला है और वो एक पावर प्ले स्टॉक है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपको इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो दोस्तों, कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।